राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आपने अभी बयान लिया है, तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जनता दल के आदरणीय ललन बाबू ने, उस बयान का मैं समर्थन करता हूँ। आपकी क्या है? हमारी वही राय है जो उनकी राय है, उनकी जो राय है वो हमारी राय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय से ही पार्टी चलती है और उस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ, तो उनकी राय से ही हम सहमत हैं। सुशील मोदी जी अच्छे नेता हैं, सुशील मोदी जी जानकार नेता हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पूरी प्रतिष्ठा वो गंवा देते हैं। अब उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते होंगे इनको क्या समझाते हैं, तो पड़ जाते हैं कभी कभी चक्कर में, बोलने का कुछ तो बोल रहे हैं कुछ, वो अपने स्टेटस के खिलाफ ही बात बोलते रहते हैं। निश्चित रूप से अपने स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए सामाजिक राजनीति जीवन में, जो सुशील मोदी जी नहीं रख रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी के साथ जब थे तब तक ठीक थे सुशील मोदी, आपको लगता है कि कोई फिर से नीतीश जी के साथ? नहीं, वो ठीक थे कि नहीं थे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि जब नीतीश कुमार जी को हमेशा प्रधानमंत्री का मटेरियल कहते थे, नीतीश जी को बिहार के विकास पुरुष कहते थे, अब क्या हो गया 10 दिन में जो सारा उल्टा बात चलाने लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम में कुछ खासियत है, खूबी है, तो जांच परख के एक बार नाप तोल के बोलना चाहिए, ये नहीं कि 10 दिन पहले कुछ बोल रहे हैं या 10 दिन के बाद कुछ बोल रहे हैं। आरएसएस और भाजपा के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कहा कि जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल, जो संगठन, स्वयंसेवी संगठन हो चाहे जो भी देश के अंदर संगठन हो, अगर वो नफरत का वातावरण फैलाती है, समाज की तोड़ने की बात करता है, ऐसे लोगों पर बैंड होना चाहिए, ऐसे संगठन पर भी बैंड होना चाहिए और ऐसे पार्टियों पर भी बैंड। भाजपा के बारे में क्या राय है? बिल्कुल, अगर भाजपा के नेता अगर नफरत फैलाएंगे तो उनको भी बैंड करना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर JDU के नेता अगर समाज में तनाव फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि पार्टी में कोई ऐसा आदमी है क्या? आपकी पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं? अगर हो सकता है निकल जाए, भविष्य में कौन जानता है कि कहाँ क्या होगा। तो आपको डर है क्या कि आपकी भी पार्टी में ऐसे कुछ नहीं? नहीं, हमारा डर नहीं है, ऐसा कोई यहाँ अनहोनी होने वाला नहीं है। यहाँ जो भी लोग हैं ठीक डगा के एकदम बिल्कुल दुरुस्त करके सब लोग को रखा जाता है यहाँ। कुछ लोग आते जाते रहते हैं, उनको तो विदा कर देते हैं हम लोग।